श्री कृष्ण और एकलव्य का भयंकर युद्ध क्यों हुआ था? एकलव्य की श्री कृष्ण से आखिर क्या दुश्मनी थी? क्या परिणाम हुआ था इस युद्ध का? महाभारत के ऐसे कई रहस्य हैं जो समय के साथ पन्नों में दबे रह गए हैं, और आज हम आपको महाभारत से जुड़े चौंकाने वाले रहस्य बताने जा रहे हैं, और ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी जानते हैं कि एकलव्य को गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी थी और बाद में उन्होंने दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि गुरु द्रोण नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा कोई भी श्रेष्ठ धनुधर हो। दूसरा यह कि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं कौरव पुत्रों के अलावा किसी और को शिक्षा नहीं दूंगा। ऐसी मान्यता है कि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य की धनुष विद्या में कोई कमी नहीं आई थी। महाभारत काल में एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था, और जब इसकी सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वो भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में सिर्फ चार उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध हुआ और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो गया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था और उसकी मृत्यु बाद में कैसे हुई इसका किसी को पता नहीं है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चले कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एकलव्य पिछले जन्म में श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। वो श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवश्रवा के पुत्र थे। एक दिन देवश्रवा जंगल में खो गए थे और फिर बाद में हिरण्य धनु को वो मिल गए, इसलिए एकलव्य को हिरण्य धनु का पुत्र भी कहा जाता है, और इसी तरह एकलव्य श्री कृष्ण के भाई थे। ऐसी मान्यता है कि एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों रुक्मणी हरण के दौरान हुई थी, और इस दौरान वो पिता की रक्षा करते हुए मारे गए थे, परंतु तब श्री कृष्ण ने उन्हें द्रोण से बदला लेने के लिए फिर जन्म लेने का वरदान दे दिया था। श्री कृष्ण के वरदान के बाद एकलव्य ने द्रौपद के बेटे दृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया, और महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अंगूठे के बदले में द्रोण का सिर काट दिया था। इस तरह श्री कृष्ण का युद्ध एकलव्य से हुआ था और उन्होंने इस युद्ध में अपने ही भाई का वध किया था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।